हेलो जी। हिंदू कैलेंडर या बोले वो कैलेंडर जिसकी शुरुआत होती है चैत महीने से और फागुन महीने में खत्म हो जाता है। चलो और सिंपल कर देता हूँ। हिंदू कैलेंडर वो है जिस वजह से हम दिवाली, होली, छठ, पोंगल, बिहू और ना जाने कितने सारे फेस्टिवल्स सेलिब्रेट करते हैं। कहने को तो ये हमारा नेशनल कैलेंडर है, बट इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। ना इस बारे में हमें हमारे टीचर्स पढ़ाते हैं और ना कोई ज्ञानी व्यक्ति बैठ के समझाता है। तो आज हमारे पूर्वजों के इस प्रख्यात आविष्कार को थोड़ी सी गहराई से समझते हैं। ये कैलेंडर बहुत पुराना है, बहुत ज्यादा पुराना, कम से कम 2000 साल पुराना। और जितना ये पुराना है उतना ये एक्यूरेट, साइंटिफिक और प्रिसाइज है। अगर हम वही बात करें ग्रिगोरियन कैलेंडर की। किसकी? ग्रिगोरियन कैलेंडर, अरे वही दिसंबर से जनवरी वाला, वो बस 500 साल पुराना है। हिंदू कैलेंडर हमारे पूर्वजों की बड़ी उपलब्धि थी, जिस वजह से हमारे लिए डे, मंथ, ईयर कैलकुलेट करना बड़ा इजी हो गया। हमारे साइंटिस्ट लोग जैसे आर्यभट्टा, ब्रह्मपुत्र एस्ट्रोनॉमी की सटीक कैलकुलेशंस करते थे, जिस वजह से हम इंडियंस पूरी दुनिया से बहुत आगे थे। मोरओवर ये जो ग्रिगोरियन कैलेंडर है ये सिर्फ और सिर्फ सन पे बेस्ड है। वहीं हमारा हिंदू कैलेंडर आम लोगों की दिनचर्या को ध्यान में रख के बनाया गया, इसीलिए वो तीनों सेलेस्टियल बॉडीज स्टार्स, सन, मून पे बेस्ड है। हिंदू कैलेंडर में मंथ बेस्ड होते हैं मून पे और ईयर बेस्ड होते हैं सन पे। एग्जैक्टली। अब थोड़ा थोड़ा गहराई में धीरे धीरे उतरते हैं। हमारे चांद को पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में प्रिसाइजली लगते हैं 29 दिन 12 घंटे और 44 मिनट। इसको लूनर मंथ कहते हैं। हिंदू कैलेंडर के साल में होते हैं 12 लूनर मंथ, सो एक लूनर साल में दिन हो गए 12 इंटू में ये इक्वल्स टू 354 दिन, 8 घंटे, 48 मिनट और 36 सेकेंड। बट पृथ्वी तो सूरज का चक्कर 365 डेज में ही लगाती है, तो लूनर मंथ एंड सोलर ईयर में डिफरेंस हो गया लगभग 11 दिन का, और 3 साल बाद ये डिफरेंस बढ़ के हो जाएगा 30 दिन। और जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे हिंदू कैलेंडर आउट ऑफ सिंक होता जाएगा। बट इसका एक जबरदस्त उपचार निकाला हमारे पूर्वजों ने। लूनर मंथ और सोलर ईयर का मेल बिठाने के लिए एक एडिशनल मंथ इंसर्ट किया जाता है हर 30 महीने के बाद। इसको अधिक मास या मल मास कहते हैं। इस एडिशनल मंथ या अधिक मास का मेंशन ऋग्वेद के पहले मंडल 25 सूक्त और 8 ऋक में भी मिलता है, समझ रहे हो? इसी अधिक मास से हुए एडजस्टमेंट के कारण ही हिंदू कैलेंडर सीजन से अलाइन रह पाता है। इस वजह से दिवाली हर बार अक्टूबर नवंबर में आती है और होली मार्च में। एक लूनर महीने को 15 तिथियों के दो दो पक्षों में बांटा जाता है, जिसको शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष कहते हैं। शुक्ल पक्ष की शुरुआत होती है अमावस्या से और वो चलता है जब तक पूर्णिमा आती है। उसके बाद शुरू होता है कृष्ण पक्ष, वो भी अगली 15 तिथियों तक चलता है जब तक अमावस्या नहीं आ जाती। एक महीने को 15 तिथियों के दो इक्वल पार्ट्स में बांटना बहुत ही सरल और लॉजिकल था। यहाँ एक चीज ध्यान रहे कि हम 15 तिथि कह रहे हैं, 15 दिन नहीं। हम कई बार सुनते हैं कि एक ही त्योहार दो दो दिन पड़ जाता है, जैसे 2019 में जन्माष्टमी 23 और 24 अगस्त दोनों दिन थी, और कई बार दो त्योहार एक ही दिन पड़ जाते हैं, जैसे नवरात्रों में कई बार अष्टमी और नवमी एक ही दिन होती है। ये सब होता है तिथि की वजह से, बिकॉज एक नॉर्मल तिथि 19 घंटे से लेकर 27 घंटे लंबी हो सकती है। अब ऐसा क्यों होता है इस डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। अर्थ, मून और सन में अभी एंगल है 0 डिग्री। जैसे हमें पता है कि अब मून अर्थ के चक्कर लगाएगा और अर्थ सन के, जब मून और सन के बीच का एंगल हो जाएगा 12 डिग्री तब हो जाएगी पहली तिथि, और अगली तिथि होगी जब सन और मून के बीच का एंगल हो जाएगा 12 का मल्टीपल यानी 24। ऐसे ही 12 का टेबल चलता रहेगा और अगली तिथि आती जाएगी, जैसे 36 डिग्री पे तृतीया, 48 डिग्री पे चतुर्थी, 60 डिग्री पे पंचमी। अब होता क्या है, इस 12 के टेबल का पूरा होने में कभी 19 घंटे कभी 27 घंटे भी लगते हैं, बिकॉज ना अर्थ का और ना मून किसी का भी ऑर्बिट परफेक्ट सर्कल नहीं है, इलिप्स है, इलिप्स। इंडिया में लूनर मंथ के रिगार्डिंग दो तरह के ट्रेडिशंस चलते हैं, अमंता ट्रेडिशन जिनका महीना खत्म होता है अमावस्या पे, और पूर्णिमंता ट्रेडिशन जहाँ महीने का एंड होता है पूर्णिमा पे।
पूर्णिमंता ट्रेडिशन का चलन वैदिक काल में होता था, पर धीरे धीरे समय के साथ अमंता सिस्टम यूज होने लगा और लगभग 57 BC में विक्रमादित्य ने आके फिर से पूर्णिमंता सिस्टम चालू कर दिया। आज इंडिया में दोनों सिस्टम चलते हैं। ये वही विक्रमादित्य हैं जिन्होंने बरसों से चले आ रहे शक संवत को चेंज करके विक्रम संवत शुरू कर दिया था। संवत्स का बेसिक मीनिंग होता है युग, एरा या फिर साल। इंडिया में काफी सारे संवत्स हैं और उसी तरह बहुत सारे हिंदू कैलेंडर्स भी हैं। और इन सबसे होता है भारी कंफ्यूजन, इसलिए 1957 में हमारी गवर्नमेंट ने एक स्टैंडर्डाइज कैलेंडर बनाया। और कुछ इस तरह इंडिया में बहुत सारे अलग अलग न्यू ईयर भी बनाए जाते हैं। ये होता है बिकॉज इंडिया की ज्योग्राफिकल और कल्चर डाइवर्सिटी के कारण ये डिफरेंट न्यू ईयर डिपेंड करते हैं एग्रीकल्चर हार्वेस्ट पे। मस्त है ना, यही तो फ्लेवर है इंडिया का, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इतने सारे न्यू ईयर्स, इतने सारे कैलेंडर्स, बट फिर भी सब सिंक में चलता है। ऑर्गेनाइज क्यूज जी। इट इज इवन मोर इंटरेस्टिंग कैसे ये कैलेंडर सीजन को भी प्रिडिक्ट कर देता है। 16 मंथ के 12 लूना महीनों को 6 ऋतुओं में बांटा जाता है। हर ऋतु या मौसम चलती है लगभग 2 महीने। इसके अलावा हमारा कैलेंडर समर सोलस्टिस एंड विंटर सोलस्टिस, दक्षिणायन और उत्तरायण, और दोनों इक्विनॉक्सेस वसंत और शरद संपत का भी पूरा पूरा ज्ञान दे देता है। मतलब सोचो क्या क्या पता चल जाता है एक छोटे से कैलेंडर से। कितनी मेहनत की होगी हमारे पूर्वजों ने इसको बनाने में, और आज हम ये सब भूलते जा रहे हैं। इस वीडियो के लिए जब हमने रिसर्च शुरू की तो ना कुछ इंटरनेट पे मिला और ना ही किसी ज्ञानी व्यक्ति के पास परफेक्ट साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन थी। सही कह गए थे स्वामी दयानंद सरस्वती जी, गो बैक टू वेदास।